हम लोग कुछ समय से देख रहे हैं कि अखिल के प्रतियोगिताओं के लिए आप हर कदम पे हर जगह पे चलने के लिए तैयार रहते थे। मैं जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव पंकज कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं और मैं पूरा क्षेत्रीय जनता को भी साधुवाद देते हैं कि हमारे भारतीय खेल कबड्डी को आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतने दर्शकों के रूप में ये मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से लेके आए जिसमें लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, हैदराबाद, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ और मेजबान बलिया की वहाँ पे खेलेंगे। मैं मंत्री से भी आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से वहाँ पे खिलाड़ियों को अपना आशीष वचन देने के लिए आप आए। हम लोग के बीच में उपस्थित नौजवान साथीगण एवं दूर दूर से आए हुए हमारे क्षेत्र के नागरिक एवं हमारे हम लोग के बीच में उपस्थित गाजीपुर बलिया की नौजवान टीम, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस खेल जो कबड्डी प्रतियोगिता है यह हम लोग के बीच में प्रेम और सौहार्द की चीज है। फिर मैं बार बार इन आयोजककर्ता हमारे जो अध्यक्ष कमेटी का अध्यक्ष महोदय है, प्रबंधक महोदय है, चाहे ये आयोजक बंधु जितने भी हमारे कार्यकर्ता गण है, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग के चहेते पूर्व मंत्री माननीय नारदा जी का चाहूंगा माननीय मंत्री जी को मैच का आनंद उठाने दें। मैच का शुभारंभ होता हुआ बलिया की तरफ से अधिकार जीरो पॉइंट तीन नंबर की गर्ती में गाजीपुर के खेल में चहल कदमी करते हुए गाजीपुर रेड करते हुए बलिया के खेमे में बॉर्डर को क्रॉस किया और वहां पे चहल कदमी करते हुए बलिया के खेमे में गाजीपुर के खिलाड़ी अपने कक्ष में लेते
Thank you.
Thank you.
फ्रांस लगातार अच्छी प्रदर्शन करके तीन अंक आगे निकल चले हैं। 14-17 लक्ष्यांक है दोनों टीमों का। पूरा वापसी किया
फाइनल मुकाबला होना चाहिए भाई साहब, बखूबी हो रहा है। यह मुकाबला आखिरी मिनटों तक जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। गाजीपुर 25 अंक पहुंच चुकी है और बल्लभ भाई 3 अंक आगे आ गए यहाँ पे। गाजीपुर जनपद के प्रधान मंत्री है हमारा भी बल्लभ जनपद के नगर विधायक आनंद स्वरूप सिंह। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिलचस्प मुकाबला दोनों टीमों के बीच और आज के हमारे मुख्य अतिथि इस खेल को देखते हुए अपने स्थान पर बैठकर और इसमें हार जीत का फैसला की तरफ से मिलता है यहाँ पे।